ये जो करवा चौथ नाम की बीमारी है, पत्नी करवा चौथ का व्रत रखती है, बस छोटी सी कट का आनंद लेगा और लगेगा ठग से, तो बताना मुझे कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। अब कविता शुरू होगी, यहां से सारा सदन सुने कविता कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ, तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में एक बरस बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। ताली बजाओ यहां। पत्नी बोली अभी जो लोग नहीं बजा रहे ना ताली, वो कहीं ना कहीं डर रहे पत्नी से, बराबर बोले फिर भी डर रहे मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिया सा अर्थ मत कीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए। मैंने कहा, तो मैं तो पढ़ा लिखा था ना, मैंने हिसाब लगाया भारत में दाम्पत्य जीवन जो है लगभग 40 वर्ष तक चलता है पति पत्नी का साथ जो औसत। अगर पति लगातार 40 वर्ष तक बढ़ती रही तो मेरी तो पक्का 40 साल बढ़ गई ना, बढ़ गई ना। और यहां से कविता सुने कि मैंने कहा प्राण प्रिया सा अनर्थ मत कीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे तरफ रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी और पगली में तो 100 वर्ष तक जीवो तो 60 महीने बढ़ जाएगी। बजाओ ताली शर्मा की बोले, कि पगली में तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 महीने बढ़ जाएगी, वो 40 वर्ष में किसके सहारे जीऊंगा, किसके हाथ की चाय कॉफी पीऊंगा, चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कहकर चिचड़ाएगी। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कहकर के चिढ़ाएगी। ऐसे तानों को मैं कैसे सह पाऊंगा और ज्यादा कुछ कहूंगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए और ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए।